ये जोश, ये गूंज सुन रहे हैं आप? इस गूंज में नरेंद्र मोदी के लिए जनता का प्यार साफ साफ सुनाई दे रहा है। इस लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनने की ओर अग्रसर हैं। ऐसी संभावना है कि 8 जून को शपथ ग्रहण हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने मंगलवार देर शाम पार्टी वर्कर्स को धन्यवाद दिया और जीत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि 62 साल बाद हमें ऐसी जीत मिली है कि पूरा विपक्ष भी मिलकर बीजेपी की बराबरी नहीं कर सका। वहीं पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक पर दुनिया भर के नेताओं का रिएक्शन आया है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, नई चुनावी जीत पर और अच्छे काम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत करने और हमारे लोगों की भलाई के लिए हमें जोड़ने वाले विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। जॉर्जिया मेलोनी के अलावा मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू का भी रिएक्शन सामने आया है। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा, बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 2024 के भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता मिली। दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि और स्थिरता की खोज में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मैं मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। मोइजू के अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बधाई देता हूं। एनडीए की जीत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि में भारतीय लोगों के विश्वास को प्रदर्शित किया। निकटतम पड़ोसी के रूप में श्रीलंका भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर है। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने बधाई देते हुए कहा, दुनिया के सबसे बड़े चुनावों में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए को बधाई। जैसे जैसे वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं, ताकि हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया जा सके। वहीं मॉरिशस के पीएम ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए आपकी प्रशंसनीय जीत पर बधाई। आपके नेतृत्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना जारी रखेगा। मॉरिशस भारत विशेष संबंध हमेशा बने रहे। बता दें 4 जून को देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। नतीजों के अनुसार 542 सीटों में एनडीए को कुल 292 सीटें मिली, जबकि इंडिया को 233 सीटें मिली हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो 272 के बहुमत आंकड़े को अकेले पार नहीं कर पाई, लेकिन एनडीए ने इस आंकड़े को पार कर लिया है, जिसके बाद बीजेपी अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। पिछले चुनाव 2014 में बीजेपी को 278 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2019 की बात करें तो बीजेपी ने अपने बूते पर 303 सीटें जीती थी। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।